हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का जो ये क्लास चल रहा है, बहुत दिनों से लगातार ये आप सभी की क्लास चल रही है और डेली 9 बजे से आप सभी की लाइव क्लास चलती है। और जो आज का टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं, टेस्ट नंबर आपका 72 देखने वाले। जी हाँ, अभी तक 71 टेस्ट हम लोग कम्प्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक की तैयारी करवाई गई, उसके बाद प्रधान शिक्षक की यहाँ पर क्लास चल रही है और टोटल 72 टेस्ट हो गया है। और आज का जो टेस्ट है आपका सामान्य अध्ययन का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। 75 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए इसको देखते हैं और यहाँ पर पूरा इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, है ना। पूरा इसको समझते हुए चलेंगे हर एक ऑप्शन को, है ना। इससे संबंधित और भी आपको बहुत सारा प्रश्न आपको उसका उत्तर बताया जाएगा, ठीक है। डेली 9 बजे से आप सभी की क्लास होती है। ये जो नंबर दिख रहा है आपका, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। जी हाँ, आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके इस पे आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से और वहाँ पर आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको नियम है कि आपको सिर्फ एक बार दोस्तों 351 रुपये का पेमेंट करना होगा। और पेमेंट जो करना है आपको फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे या पेटीएम या व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है, जहां आपको सभी PDF मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आपको सारा चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और वहीं पर आपको क्लास का लिंक मिलेगा जहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कैरियर परिवार नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपना नंबर वेरीफाई कीजिए, उसके बाद जाकर के कैरियर परिवार सर्च कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग आ गए हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, है ना, क्योंकि 9 बजे से आप सभी की क्लास स्टार्ट हो जाती है और डेली स्टार्ट हो जाती है 9 बजे से ही। तो खाना पीना खा करके एकदम रेडी हो जाना है, ठीक है, बरियार होकर के। चलिए पहला सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों महिला दिवस के बारे में, है ना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, है ना। दिवस में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए तो महिला दिवस भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। याद रखिएगा 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। नोट कर लीजिएगा, है ना, विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को। 15 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। और 24 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 24 मार्च को भी नोट कर लीजिएगा विश्व TB दिवस मनाते हैं। विश्व TB दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस मनाते हैं, है ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। और 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो मार्च में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो लगभग आपको बता दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक वीडियो में हम सभी दिवस को कलेक्ट करके आपको बता देंगे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी दिवस हैं ना, सभी को एक वीडियो में कलेक्ट कर देंगे ताकि वहाँ पर सारा आप दिवस को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी। जी हाँ, मालती माधव ये नाटक है और इसकी रचना जो किया गया है वो आपको भवभूति के द्वारा किया गया है। जी हाँ, भवभूति के द्वारा किया गया है मालती माधव का रचना। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी देख रहे हैं, है ना। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि 9 बजे से आपको वीडियो मिल सके, ताकि आप उसको देख सके, आपका नॉलेज बढ़ सके, है ना। प्रश्न कह रहा है टू लाइव्स। जी हाँ, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत बार पूछा गया है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक ऑप्शन है विक्रम सेठ, अनीता नैयर, उपमन्यु चटर्जी, स्टीफन किंग। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, देखिए टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। जी हाँ, क्या हो जाएगा, विक्रम सेठ इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है, चेन्नई में है, इंदौर में है, बंगलुरु में है या फिर हैदराबाद में है। देखिए, तो ये जो
टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है दोस्तों, ये है आपका इंदौर में। और इंदौर कहाँ पड़ता है आपको, एमपी में पड़ता है ना। इंदौर कहाँ है तो एमपी में है आपका ये स्थित, और ये परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान, जी हाँ राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है, बताइए। विधि संस्थान विश्वविद्यालय है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 5 का, यानी कि नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है ना, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो ये है आपको भोपाल में। और भोपाल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है आपको भोपाल, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, जी हाँ प्रेमचंद का के द्वारा बहुत सारे उपन्यास लिखा गया है और हमेशा एग्जाम में इससे पूछा जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका बताइए। प्रेमचंद ने दोस्तों कौन कौन लिखा है ये आप नोट कर लीजिएगा, एक तो गोदान इनका है आपका है ना, गोदान के बाद इसका गबन इन्हीं का है ना, सेवा सदन भी इन्हीं का है आपका, ठीक है, और इसका कर्म भूमि भी है, नोट कर लीजिएगा कर्म भूमि। और क्या है इनका, कर्म भूमि है, रंग भूमि है ना, रंग भूमि इन्हीं का है आपका है ना, सभी उपन्यास है, रंग भूमि है, ये सभी उपन्यास लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। लेकिन चित्रलेखा जो है ना, चित्रलेखा जो उपन्यास है ये आपको प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है बताइए सभी लोग, कि चित्रलेखा जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका फणीश्वरनाथ रेणु है ना, नाम सुने होंगे फणीश्वरनाथ है ना, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया है आपको चित्रलेखा, नोट कर लीजिएगा आपका, ठीक है। कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान सभी प्रेमचंद का है आपका। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो जहाँ से प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, ये श्रीहरिकोटा कह रहा है कि कहाँ पड़ी है ना, भारतीय सैटेलाइट है ना, इसरो का जो है दोस्तों, जहाँ से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये कहाँ पड़ी है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, जी हाँ कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है आपको श्रीहरिकोटा, जी हाँ आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर इन्फेंट्री स्कूल स्थित है, बताइए इन्फेंट्री स्कूल कहाँ स्थित है ना, तो इन्फेंट्री स्कूल जो है ये तो पड़ता है आपको महू में है ना, इन्फेंट्री स्कूल जो है वो महू में है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि जो एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए है ना, एनडीए कहाँ पर स्थित है, तो इसका है खड़गवासला पुणे में, ठीक है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है दोस्तों देहरादून में, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, जिसको आईएमए कहते हैं। और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ है, तो वेलिंगटन में है। तो तीनों पूछा जाता है कि खड़गवासला में क्या है, देहरादून में क्या है, वेलिंगटन में क्या है और महू में क्या है, ये चारों याद रखिएगा। तो इन्फेंट्री स्कूल है आपको महू में, और आपका याद रखिएगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो खड़गवासला पुणे में, और आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, और आपका डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, यहाँ पर चारों आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, देखिए आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो ना, तो इसको पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं ना, बीच में पॉज कर लीजिएगा फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है कि किस वर्ष में सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे, जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सर एडमंड हिलेरी, और सर एडमंड हिलेरी कहाँ के थे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये न्यूजीलैंड के थे है ना, कहाँ के हैं ये, तो न्यूजीलैंड का है ये, ठीक है, छोटा सा द्वीप है आपका न्यूजीलैंड, यहीं के हैं सर एडमंड हिलेरी, और 1953 ईस्वी, ठीक है, 29 मई 1953 की ये घटना है जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे सबसे पहले,
ठीक है। इनके साथ एक और थे शेरपा तेंजिंग, है ना, नाम सुने होंगे शेरपा तेंजिंग। तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी दोनों चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को चढ़े थे और वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराए थे, ठीक है। तो ये दुनिया का था ना, ये विश्व के थे आपको, शेरपा तेंजिंग और शरवानंद हिलेरी जो थे 1953 में एवरेस्ट की चोटी पहुँचे थे और एवरेस्ट पर पहुँचने वाले प्रथम ये व्यक्ति थे, है ना, ये भारतीय नहीं थे, है ना, भारतीय वाले दूसरा थे, ये आपको, ये न्यूजीलैंड के थे। और एक जो शेरपा तेंजिंग थे ना, वो नेपाली मूल के थे दोस्तों और भारतीय नागरिक थे, है ना, दोनों को आपको चढ़े थे, तो ये ध्यान रखिएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, है ना, ये विश्व में प्रथम थे, है ना, प्रथम व्यक्ति थे। दसवां प्रश्न कह रहा है कि देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, जी हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार मूल्यों पर की जाने वाली गणना में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया है। जी हाँ, तो GNP की बाजार मूल्यों पर की जाने वाली गणना में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका मूल्य ह्रास की राशि को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की भूमि विकास बैंक, जी हाँ, भूमि विकास बैंक जो है कृषकों को खाली स्थान के लिए साख उपलब्ध कराता है, यानी कि किस चीज़ के लिए ये साख उपलब्ध कराता है दोस्तों। देखिए, भूमि विकास बैंक है, इसी को भूमि बंधन बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, भूमि विकास बैंक को। और ये जो बैंक है ना, ये किसानों को भूमि खरीदने के लिए और या फिर भूमि पर अस्थाई सुधार करने के लिए या फिर पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए, सभी के लिए ये दीर्घकालीन ऋण देती है दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 11 का सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ये ऋण देती है भूमि विकास बैंक, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। उपयुक्त सभी मत मार दीजिएगा यहाँ पर, है ना, उपयुक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा, सी नंबर होगा। अगला सवाल है आपका कि म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट, है ना, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकार किसके पास है, है ना, मतलब कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करने वाला है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि इसी को कहते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी, ठीक है, सेबी के द्वारा दोस्तों इसको कंट्रोल किया जाता है, आंसर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, बताइए तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप नोट कर लीजिएगा 12 अप्रैल 1988, जी हाँ, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है, है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, है ना, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये आपको पूछ सकता है, तो सेबी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, नोट कर लीजिएगा, माधवी, है ना, माधवी, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, पूरी बुच, माधवी पूरी बुच इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि पहली, है ना, पहली महिला अध्यक्ष कौन है सेबी की, तो पहली सेबी की महिला अध्यक्ष यही है माधवी पूरी बुच, ठीक है, याद रखिएगा आंसर माधवी पूरी बुच, और इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 13 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि नारायण कीर्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है। देखिए, नारायण कीर्तिकेयन के बारे में बहुत बार पूछा गया और ये इंडियन है, हाँ, नारायण कीर्तिकेयन जो है ना, ये भारत के एकमात्र फॉर्मूला वन चालक हैं दोस्तों। क्या हैं? फॉर्मूला वन ये चालक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये मोटर दौड़, है ना, चालक है मतलब कि ये गाड़ी चलाते हैं, तो आंसर फॉर्मूला वन रेस के, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण जो महाविद्यालय है ये आपको पड़ता है ग्वालियर में, है ना, याद रखिएगा ग्वालियर में है, ठीक है, कहाँ है ये, ग्वालियर में है, ठीक है। और इसको 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का शताब्दी वर्ष मनाया गया, तो यह तय किया गया कि ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया जाए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, है ना, ये जो यहाँ पर आपको पाकिस्तान है, ठीक है, इधर क्या है आपको पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, है ना, यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये जो सीमा रेखा दिख रहा है ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा लगता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं दोस्तों रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ के द्वारा
इसको नाम रखा गया था। आपको 15 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी, रेडक्लिफ रेखा इसका नाम है और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि भारत और बांग्लादेश है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं ना, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ये क्या है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है इसको भी कहते हैं रेडक्लिफ रेखा ही इसको भी कहा जाता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है ये भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, है ना, तो इसको भी रेडक्लिफ, इसका भी निर्धारण हुआ था आपको 1947 में ही। ठीक है, तो दोनों अगर आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान वाला भी और बांग्लादेश वाला भी, दोनों को रेडक्लिफ लाइन ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए किसने खींची थी, तो हो जाएगा सर रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ना, भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, है ना, मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, भारत चाइना वाला। नेक्स्ट है आपका कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 16 का हो जाएगा आपको आंसर नंबर, जयदेव, है ना, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों देखिए आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, तो वंदे मातरम, है ना, कौन सा है, वंदे मातरम है, और इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वंदे मातरम से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा, है ना, और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको गाने में कितना लगता है, तो 52 सेकेंड लगता है। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों आपको पूछा जाता है में, है ना, राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड। ठीक है, और ये अब पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से ये लिया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और कहां से लिया गया, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। इसको सबसे पहले गाया कब गया था, तो सबसे पहले दोस्तों 1896 ईस्वी में इसको गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, है ना, तो ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गीत को अपनाया कब गया, है ना, गाया तो गया था 1896 में ही सबसे पहले बार गाया गया, लेकिन इसको अपनाया कब गया भारतीय, भारत के द्वारा, तो ये याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, और जो हमारा जन गण मन है उसके लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, है ना, तो वो भी आप याद रखिएगा। और एक हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज जो वंदना है, भारतीय ध्वज जो वंदना है, झंडा ऊँचा रहे हमारा, इसके लेखक कौन है, तो श्यामलाल गुप्ता हैं। तो ये तीनों आपको पूछा जाता है ना, झंडा ऊँचा रहे हमारा ये क्या है, हमारा भारतीय ध्वज वंदना है, और इसके जो लेखक है वो श्यामलाल गुप्ता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, कयात किस देश की करेंसी है, कई बार पूछा गया है कयात के बारे में। देखिए कयात जो है ना, ये म्यांमार की मुद्रा है आपका। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार हमारा पूर्वी पड़ोसी देश है, है ना, म्यांमार हमारा क्या है, तो पूर्वी पड़ोसी देश है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि म्यांमार से कौन कौन राज्यों की सीमा बनती है, तो सभी लोग बताइए तो कमेंट करके कि म्यांमार से कौन कौन राज्य सीमा बनाती है। मैंने कई बार आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी बताया है कि म्यांमार जो है वो कितने राज्यों से सीमा बनाती है, कौन कौन राज्यों से सीमा बनाती है, अगर आपको मानचित्र पता है तो आप बता दीजिएगा। चलिए बताइए, देखिए, और इजरायली पाउंड जो है वो इजराइल की मुद्रा है। चलिए, तो ये हो गया म्यांमार कयात। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम बताना है। दोस्तों देखिए, इजराइल थोड़ा सा काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि है बहुत छोटा देश, है ना, है बहुत छोटा, लेकिन इसके पास बहुत सारे चीज़ मतलब ऐसे ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में ये टॉप लेवल पर है। तो इजराइल का जो पार्लियामेंट है, इसका जो नाम है वो इसका क्या नाम है, तो 19 का हो जाएगा आपका नेसेट कहते हैं इसके पार्लियामेंट को, क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत के पार्लियामेंट संसद कहा जाता है, है ना, संसद कहा जाता है। अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ जो पार्लियामेंट है आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा आपको। ठीक है, और जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो डायट कहते हैं। ये जो डायट है ना, ये जापान की संसद है आपका। ठीक है, ये जापान वाला संसद है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा।
और फुलकेटिंग किसको कहते हैं दोस्तों? तो फुलकेटिंग जो है दोस्तों ये डेनमार्क की संसद है ना, फुलकेटिंग कहा जाता है डेनमार्क की संसद को, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं तंबाकू निषेध दिवस। बताइए तंबाकू निषेध दिवस तो आपको कुछ दिन पहले ही मनाया गया था, है ना, तो और कब मनाया गया था सभी लोग बताइए इसको। तो तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था आपको 31 मई को, है ना। चलिए 31 मई हो जाएगा आंसर नंबर, हो जाएगा आंसर नंबर बी तंबाकू निषेध दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है सभी लोग कमेंट करके बताइए, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाते हैं, तो 5 जून को भी क्या मनाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। और 15 मई को क्या मनाते हैं ये भी बताइए। मैं बता देता हूँ, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा विश्व जनसंख्या दिवस। और आपका 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपको 5 जून को। और 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। 15 मई को क्या मनाते हैं, तो विश्व परिवार दिवस, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको पूछ सकता है ना, एक दो दिवस आपको एग्जाम में पूछेगा। चलते हैं अगला प्रश्न कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने मार्कोनी से अलग बेतार का आविष्कार किया था। दोस्तों वो भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जो मार्कोनी से अलग बेतार का आविष्कार किया था, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि डॉक्टर जेसी बोस। देखिए डॉक्टर जेसी बोस यानी कि इनका जो पूरा नाम है जगदीश चंद्र बसु, है ना, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जो हैं ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व का गहरा इनको ज्ञान था, ठीक है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें भी की थी, साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता भी थे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा यहां पर। अगला है आपका 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शन यंत्री का आविष्कार किसने किया था, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, है ना, बताइए टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए आविष्कार से भी आपको एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है ना, आविष्कारक से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो टेलीस्कोप वाला आप नोट कर लीजिएगा, गैलीलियो, है ना, कौन किया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, है ना, ग्राहम बेल जो है ये किसका आविष्कार किए थे, तो टेलीफोन का, है ना, नोट कर लीजिएगा टेलीफोन। और कब किए थे तो टेलीफोन का आविष्कार, तो 1875 में किए थे। और पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया था, तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा, है ना, फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था टेलीस्कोप पेनिसिलिन का आविष्कार, है ना, तो यहाँ पेनिसिलिन आप लिख लीजिएगा फ्लेमिंग। कब किए थे इन्होंने, तो 1928 में, ठीक है। और एक और है विद्युत बल्ब, जी हाँ विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था एडिसन महोदय के द्वारा, ठीक है, एडिसन के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1878 में किया गया था आपको एडिसन के द्वारा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि नाड़ी यंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, है ना, नाड़ी यंत्र के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है आपको दोस्तों सोडियम, है ना, सोडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि नाड़ी यंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक जो तत्व है वो सोडियम है, और यह तंत्रिका आवेग के संचरण को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, अगर विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी की बीमारी होती है, है ना, तो रतौंधी अगर आपको बचाना है, अपनी आँख को बचाना है, तो सबसे ज़्यादा जो ए मिलता है विटामिन ए, है ना, तो ये मिलेगा आपको गाजर से, दूध से, अंडा से, पनीर से, हरी साग सब्जियों से, है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा आपको गाजर, है ना, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है आपका। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बताइए, तो इसका रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल, ठीक है, रासायनिक नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, रेटिनॉल होता है सॉरी। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि विद्युत में प्रतिरोध का मापांक क्या होता है दोस्तों, विद्युत में प्रतिरोध का मापांक जो होता है वो प्रतिरोध का होता है दोस्तों ओम होता है ना, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा तो ये सब प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर, नोट कर लीजिएगा, है ना, विभवांतर, ठीक है।
और आपका एम्पियर किसका है दोस्तों, तो एम्पियर हो जाएगा आपका विद्युत धारा का, है ना, एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। और फैराडे किसका हो जाएगा आपका, तो फैराडे हो जाएगा आपका संधारित की धारिता का, ठीक है, और कूलम होता है विद्युत आवेश का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो पाचन का जो अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, या फिर पैनक्रियाज में, क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अमाशय होना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और छोटी आंत में क्या होता है, तो छोटी आंत में होता है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का जो थक्का है वो किस विटामिन से जमता है, तो विटामिन के की वजह से, है ना। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगा तो अगर आपका ब्लड कहीं पर कट जाता है तो आपको खून नहीं जमेगा, है ना, और खून लगातार निकलते रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन के की कमी से, है ना। विटामिन के यहाँ पर हो जाएगा रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, विटामिन के से होता है। विटामिन के आपको क्या चीज़ से मिलेगा दोस्तों, तो आपको टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, सभी चीज़ से आपको विटामिन के मिल जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, है ना, फिलोक्विनोन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो सभी को पता है कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ये होता है आपका 120/80 होता है, ये कई बार एग्जाम में, ये भी आपको एग्जाम में आ चुका है। और 120 इसमें क्या होता है, तो 120 जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं सिस्टोलिक अवस्था, और नीचे वाला जो 80 है इसको कहते हैं डायस्टोलिक अवस्था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक हो गया 80 आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक सामान्य व्यक्ति में दिल एक मिनट में कितना खून पंप करता है। जी हाँ, हमारा जो दिल है, है ना, वो एक मिनट में कितने खून को पंप करता है, यानी कि वो फिल्टर करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 लीटर, है ना, आंसर हो जाएगा 5 लीटर, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारे जो हृदय है वो एक मिनट में कितने बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, है ना, तो ये 72 बार धड़कता है, और एक मिनट में आपको 5 लीटर खून को ये पंप करता है। अगला सवाल है कि निम्न वस्तुओं में से किस में विटामिन B1 पाया जाता है, तो विटामिन B1 किस में होता है। देखिए, विटामिन B1 जो पाया जाता है वो आपको इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर खमीर, यानी कि ईस्ट में, है ना, खमीर यानी कि ईस्ट में ये पाया जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम याद रखिएगा, तो रासायनिक नाम इसका होता है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का, जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 31। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि 9 बजे डेली जो आपका लाइव क्लास होता है वो लाइव क्लास आपको मिल सके। इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 7857824310, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको इसका PDF और वीडियो नोट्स सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न कह रहा है 31 नंबर की व्यापारिक कार्यों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है, यानी मतलब कि व्यापारिक जो कार्य किया जाता है, बिजनेस जो किया जाता है, तो वो कौन सी कंप्यूटर भाषा का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर एल्गोल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। जी हाँ, तो अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि पेनिसिलिन की खोज किया गया था आपको फ्लेमिंग के द्वारा, है ना, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन की खोज, और ये कब किया गया था दोस्तों, तो 1928 में किया गया था, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 1928, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 33। प्रश्न है कि डेसीबल, जी हाँ, डेसीबल के द्वारा ध्वनि के किस गुण की माप की जाती है दोस्तों, डेसीबल के द्वारा, तो डेसीबल के द्वारा माप की जाती है आपको 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीव्रता की माप की जाती है ना, डेसीबल से क्या मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 34, कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रति सेकंड कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना,
है ना, पृथ्वी से जैसे कोई उपग्रह को छोड़ा जाता है तो पृथ्वी का जो कक्ष है उससे निकल करके अगर अंतरिक्ष में वो प्रवेश करता है तो वो प्रति सेकेंड उसकी गति कितनी होनी चाहिए, तो आप नोट कर लीजिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है इसकी गति। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी है, हो जाएगा है ना, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व से निकल करके अंतरिक्ष में प्रवेश के लिए किसी पिंड का जो पलायन वेग है वो लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में किडनी यानी कि गुर्दा की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में कितने किडनी होती हैं, तो 2 किडनी होता है, है ना, आप एक किडनी पर भी काम चल सकता है लेकिन 2 किडनी हर एक मनुष्य के शरीर में होता है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर, कह रहा है सिगरेट में कौन सा एल्केलाइड होता है। देखिए सिगरेट में पीना तो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है निकोटीन, है ना, निकोटीन पाया जाता है, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, कैफीन किसमें पाया जाता है, तो जो आप कॉफ़ी पीते हैं ना, जो आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इसमें पाया जाता है आपको कैफीन। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा आपका। ठीक है, 36 का। और टेनिन किस में पाया जाता है दोस्तों, तो टेनिन जो पाया जाता है वो चॉकलेट वगैरह में पाया जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, कह रहा है कि पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहता है। देखिए पानी में तैरता हुआ अगर पानी आप लेते हैं, है ना, एक कटोरे में अगर पानी लेते हैं उसके ऊपर बर्फ रखते हैं, तो कह रहा है कितना प्रतिशत भाग जो है पानी के ऊपर रहेगा, तो पानी के ऊपर 10% इसका भाग रहता है। अब ये भी क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि 10%। नेक्स्ट है कि कैथोड किरणें क्या है दोस्तों, बताइए तो कैथोड किरणें क्या है, तो 38 का क्या हो जाएगा। कैथोड किरणें जो होती है ना वो ऋणात्मक आयन प्रदान करती है और इसे इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, और इसकी जो खोज किया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा, याद रखिएगा जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी कैथोड किरणें। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है। जी हाँ, तो भारत में ऑप्टिकल फाइबर, जी हाँ, इसका ऑप्टिकल फाइबर का जो मुख्य उपयोग है ये दूरसंचार में इसका प्रयोग करते हैं ना, कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो दूरसंचार में प्रयोग किया जाता है और वर्तमान में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु किसको कहते हैं। देखिए मिश्र धातु नाम ही है मिश्र, यानी कि ये मिश्रण होगा, है ना, यानी कि दो प्रकार की धातु के विषम मिश्रण को ही मिश्र धातु कहा जाता है, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, धातुओं के विषम का मिश्रण इसी को कहेंगे मिश्र धातु, है ना। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 की बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं कहाँ है, बताइए दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं। देखिए आपको ये चीज़ मिलेगा मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले के में स्थित बाघ की गुफाओं की भीतरी दीवारों पर प्राप्त चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पर मानव एवं पशु दोनों के चित्र मिलते हैं दोस्तों, जिनमें से एक चित्र में 6 पुरुषों को उड़ते हुए भी दिखाया गया है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के धार में, है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले में आपको ये मिलेगा। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा भोज किस वंश के थे। देखिए राजा भोज जो थे ये किस वंश के थे, तो ये थे परमार वंश के, है ना, याद रखिएगा राजा भोज जो थे ये परमार वंश के थे और इन्होंने बहुत सारे अनेक पुस्तकें लिखी थी राजा भोज दोस्तों। इसका जैसे नाम था सरस्वती कंठाभरण था, आयुर्वेद सर्वस्व था, राजमृगांक था आपका, सम्रांगन सूत्रधार था, युक्त कल्प तरु था, है ना, तो बहुत सारे पुस्तक लिखा गया था राजा भोज के द्वारा और ये परमार वंश के थे आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, कह रहा है कि किस वंश में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब्जा किया था। देखिए महमूद गजनवी जो था ये 1022 ईस्वी में ग्वालियर पर ये कब्जा किया था दोस्तों, और जाकर के 1025 वाला तो आपको मालूम ही होगा, है ना, 1025 में जो इन्होंने हमला किया था गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था उस पर, और यहाँ से बहुत सारा सोना लूट करके ले गया था महमूद गजनवी, और ये भारत पर 17 बार टोटल आक्रमण किया था, लास्ट आक्रमण 1025 में ये किया था सोमनाथ मंदिर पर, और मतलब कि बोरा बोरा भर करके यहां से सोना ले गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर की मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, तो आपको पता ही है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, शक संवत की स्थापना किसने की। देखिए कई बार पूछा गया शक संवत, क्योंकि शक संवत जो है ये शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा, और कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था राज्याभिषेक, है ना। और 78 ईस्वी में ही आपको शक संवत की शुरुआत हुई है ना, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कनिष्क के दरबार में कौन रहता था, तो चरक, ठीक है, चरक कनिष्क के दरबार में ही रहता था। इसके अलावा अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष भी आपको चरक मतलब कनिष्क के दरबार में ही रहता था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था। दोस्तों तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये आपका चालुक्य वंश का था आपका, है ना, ये किस वंश के था, तो चालुक्य वंश का था ये आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि तराइन का युद्ध, जी हाँ तराइन का दो युद्ध लड़ा गया था 1191 और 1192 में, है ना। तो कह रहा है कि किसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी। देखिए तराइन में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच दो युद्ध लड़े गए थे, जिनमें से पहला युद्ध हुआ था 1191 में जिसमें पृथ्वीराज जीता था, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी ने जीता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था तराइन का युद्ध 1191 और 92 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि किस अफगान शासक ने हुमायूं को 1539 ईस्वी तथा 1540 ईस्वी की लड़ाइयों में हराया था। देखिए 1539 में जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था, और 1540 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपको कन्नौज का युद्ध, ठीक है। और दोनों युद्ध में जो शेर शाह था वो किसको हराया था, हुमायूं को हराया था, है ना। तो दोनों को युद्ध में हुमायूं को हराया, और इसके बाद जो हुमायूं क्या हुआ कि 15 साल के लिए निर्वासित हो गया था, निर्वासित जीवन व्यतीत किया था आपका, ठीक है। उसके बाद फिर से वो राजा बनता है आपको, 15 साल बाद फिर से राजा बना था। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि शेर शाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 49 नंबर, कह रहा है कि तालिकोटा की लड़ाई, तालिकोटा की लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी, और इसमें बहमनी सुल्तान किसके विरुद्ध लड़े थे। दोस्तों तो बहमनी सुल्तान किसके विरुद्ध लड़े थे, तो विजयनगर के राजा के विरुद्ध ये लड़े थे, राजा वहाँ के राजा थे, है ना, विजयनगर के, तो उसके विरुद्ध लड़े थे आपको बहमनी सुल्तान, ठीक है। तो ये आंसर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका बाल विवाह प्रथा, जी हाँ बाल विवाह प्रथा के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था। देखिए 1929 की ये बात है, और 1929 में एक अधिनियम बनाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए, शारदा एक्ट, है ना। शारदा एक्ट सीधा आपसे पूछेगा एग्जाम में कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो शारदा एक्ट संबंधित है दोस्तों बाल विवाह से, है ना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, शारदा एक्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शारदा एक्ट को कब पारित किया गया था, तो 1929 में पारित किया गया था इसको, ठीक है, अधिनियम को। नेक्स्ट है आपका कि खजुराहो, जी हाँ खजुराहो, जी हाँ, तो खजुराहो किस जिले में स्थित है बताइए दोस्तों। खजुराहो, है ना, माथा को खजुलाते खजुलाते क्या हो गया, चांदिल हो गया, तो ये चंदेल वंश का था आपका, ठीक है, चंदेल राजाओं ने। खजुराहो मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्थित है दोस्तों, कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर चंदेल राजाओं ने, है ना, खजुराहो याद रखिएगा, माथा को खुजलाते खुजलाते ये चांदिल हो गया था, तो चंदेल राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से कंडरिया महादेव का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडरिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कंडरिया महादेव का मंदिर किसने बनाया, तो चंदेल शासकों ने बनाया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52 नंबर, 52 कह रहा है कि दांडी यात्रा किस संस्था से प्रारंभ की गई थी। दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थापित साबरमती आश्रम से किया गया था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थापित साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा आरम्भ किया गया था, और यहीं पर गांधी जी ने घोषणा की थी कि भारत को आज़ाद करवाए बिना साबरमती नहीं लौटेंगे। जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पर आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि दांडी यात्रा कब हुआ था, मैंने बहुत बार बताया था आपको, बताइए कमेंट करके दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, जी हाँ महात्मा गांधी की जो हत्या होती है वो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई है, और कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। हत्या क्यों किए थे, तो उनका मानना था कि गांधी जी ही मतलब कि विभाजन के लिए उत्तरदायी थे, है ना, भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था मेन रूप से। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका।
और 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको, गांधी जी की उस दिन हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। जी हाँ, भारत आज़ाद हुआ आपको 1947 में, और भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका 1952 ईस्वी में हुआ था, है ना। और 1952 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, बस आप सभी से एक उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी क्लास निरंतर ऐसे ही चलती रहे, ठीक है। चलिए, और आगे भी आपकी क्लास चलते रहेगी, जैसे ही बिहार स्टेट की वैकेंसी आएगी आपको बिहार SSC की भी कराई जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 55 नंबर। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ में मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति कौन था। जी हाँ, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कह रहा है मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे, तो उस समय सेनापति थे आपके कन्हौजी अंत्रे, ठीक है, कन्हौजी अंत्रे थे आपका, है ना, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 56 नंबर, 23 जून 1757। जी हाँ, 23 जून 1757 को बंगाल में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई था आपका 23 जून 1757 की, और ये था दोस्तों आपको कौन सा युद्ध था, तो 56 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, प्लासी का युद्ध, यानी कि 1757 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ाई हुआ था आपका 23 जून 1757 को। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के मध्य यह लड़ाई हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है, है ना, और फिर बाद में भारत पर पूरे तरीके से ये शासन स्थापित कर लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आपका 57 नंबर प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, है ना, कब हुआ था 1576 में हुआ था, मुगल सेना एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप जो पराजित हो गए थे और उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना किए थे। जी हाँ, राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, मैंने बहुत बार बताया है आप लोग को, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, 1828 में। सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, है ना, राजा राम मोहन राय का। तो देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ना, ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, और इनको दोस्तों अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिब्रू सभी भाषा का जानकार थे ये, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 59 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो बहुत बार बताए हैं, इसकी जो स्थापना हुआ था ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था आपको 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे आपका, ठीक है, ये स्थापना हुआ था आपको मुंबई में, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पहली बैठक हुई थी दोस्तों मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये भी कभी कभी पूछ लिया गया है कि जो पहली बैठक हुई थी बम्बई में वो कहाँ हुई थी, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, ठीक है। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव, तो ये वो ह्यूम ही थे प्रथम महासचिव। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 60 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि खान अब्दुल गफार खान, जी हाँ, खान अब्दुल गफार ने के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो इसके जो अनुयायी थे, है ना, खान अब्दुल गफार खान के जो अनुयायी थे, इनको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। जी हाँ, क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था थी, उसकी स्थापना किए थे, और इनके अनुयायी जो दोस्तों ये लाल कपड़े पहनते थे, तो याद रखिएगा इनके अनुयायी किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो लाल कपड़े पहनते थे, है ना, लाल लाल, जी हाँ, और जिसके कारण इनके आंदोलन को कहा गया लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है।
तो ये भी याद रखना है, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कपड़ा पहनते थे इसके वजह से। अगला प्रश्न है कि गीत है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। अभी आपको मैंने थोड़ा सा पहले बताया था और ये जो क्वेश्चन है आपको छपेगा ये सब इस प्रकार का प्रश्न। देखिए हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम, उसको भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गान जो है इसको भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा है ना कि 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगणमन, इसको सबसे पहले कब गाया गया था, तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। आपको राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड लगता है। इसको जो किसके द्वारा लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, 62 नंबर, कह रहा है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। जी हाँ बताइए, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। आपको देखिए पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना है, ठीक है, इसको हमारा जो संविधान बना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समय कितना लगा था बनने में, तो 2 साल है ना 11 महीना और 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको बनने में लगा था। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था। और उसी दिन है ना जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ 1949 को, निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया तथा उसके कुछ उपबंध जो थे उसी दिन लागू कर दिए गए। लेकिन जो संपूर्ण संविधान जो हमारा लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को होता है, और इसी दिन से भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना था है ना, जब से पूर्ण संविधान हमारा लागू हुआ उसी दिन से है ना 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार हो गया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 63 नंबर, कह रहा है कि भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। जी हाँ, तो भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ये तो अभी आपको बता दिया गया है ना, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और कब संविधान हमारा बना था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था, और इसके जो सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया है ना। देखिए 26 नवंबर 1949 एक चीज़ याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू हुआ था ये भी आप ध्यान रखना है ना, 26 नवंबर 1949 को क्योंकि हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, और इस समय जो लागू हुआ था जैसे नागरिकता है ना, नागरिकता भी अनुच्छेद कितने में है, तो 5 से लेकर के 11 तक है, भाग 2 में है, ठीक है। निर्वाचन हो गया और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को लागू कर दिया गया था उसी समय आपको, ठीक है। चलिए लेकिन जो और भी जो हमारा संविधान है ना वो सब लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो देश है वो गणतंत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था। दोस्तों बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 64 का आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1950 में। जी हाँ, राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में, और फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक सदस्य थे, तो नोट कर लीजिएगा फादर कामिल बुल्के है ना, फादर कामिल बुल्के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 65 प्रश्न कह रहा है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया हूँ कि लिखित संविधान सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान है आपका है ना। भारत का संविधान जब बना था तो इसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग था, ठीक है। वर्तमान में इसमें 370 अनुच्छेद से ज़्यादा हो गया है, सॉरी 470 से ज़्यादा हो गया है, अनुसूची वर्तमान में 12 है और भाग आपका 22 है, ठीक है। तो टोटल वर्तमान में ये हो गया है, और जब संविधान बना था तो ये था आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, और इसके हिसाब से दुनिया का ये सबसे बड़ा संविधान बन करके तैयार हुआ था भारत का दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66
प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। जी हाँ, भारत का जो संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित कर रहा है। तो आप पढ़े होंगे अनुच्छेद एक, है ना, अनुच्छेद एक आपको बताए थे हम। अनुच्छेद एक में क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है ना। भारत राज्य मंडल है नहीं, महासंघ है, बिल्कुल नहीं। एंसर क्या हो जाएगा, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। एंसर नंबर हो जाएगा आपका, एंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिक्सटी सेवन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, जी हां, अनुपातिक प्रतिनिधित्व किस देश के लिए आवश्यक होता है और किस देश के लिए आवश्यक नहीं होता है दोस्तों। तो आप 67 का आंसर क्या होगा बताइए, 67 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 67 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके लिए आवश्यक नहीं होता है, तो किसके लिए होता है याद रखिएगा, आरक्षित क्षेत्र नहीं होगा, दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, ठीक है। तो देखिए प्रथम दो स्थितियों अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और जहां दो पार्टी सिद्धांत विकसित है वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 68 नंबर। 68 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। तो सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है दोस्तों, तो किसका सबसे अधिक प्रभाव, तो आंसर क्या हो जाएगा 68 का, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी के वेइमर संविधान का। देखिए आपात के बारे में कह रहा ना, आपातकालीन, देखिए आपातकालीन कहाँ से लिया गया, आपको पता है कि जो आपातकाल की जो व्यवस्था ली गई है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना, जर्मनी के वेइमर संविधान से आपको लिया गया है आपातकाल। और भारत में तीन प्रकार के आपातकाल है ना, 352, 356 और 360, ठीक है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है, ये तीनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 352, 56, 60 है राष्ट्रीय आपात, 352, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, 360 हो गया वित्तीय आपात। 352 जो है अभी तक राष्ट्रीय आपात जो है ना, दो बार तीन बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है ना, राष्ट्रपति शासन आपको बहुत बार लग चुका है, और वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए, अगर नोट्स चाहिए आपको दोस्तों प्रधान शिक्षक के लिए, तो हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310, आपको इस पर सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, नोट्स भेज दिया जाएगा, और जितना भी क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 69 नंबर का, रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा। हाँ ना, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है, तो 12 का 4, है ना, 12 का 4 में किस मुकदमे में यह बनाए रखा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मुकदमा हुआ था, ठीक है, बेरुबारी मुकदमा में बनाए रखा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। जी हाँ, संविधान का कौन सा यहाँ पर एकात्मक लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीनरी वहाँ पर ठप पड़ गई हो। एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, उपयुक्त सभी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है, और राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि जब आपातकाल की समस्या होती है तब, यानी आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 72 नंबर की, धरती की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। देखिए हमारी जो धरती है ना, मानते हैं आपकी क्या है, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत है इसको क्या कहते हैं, परपटी, है ना, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी है, और इसके बाद वाले को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और इसके लास्ट वाले को क्या कहते हैं, कोर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, परपटी हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, या फिर इसी को कहते हैं सियाल सीमानीफ, है ना, क्या कहते हैं, सियाल, ठीक है, दूसरा पर होता है सीमा, और तीसरा होता है सबसे लास्ट में नीफे,
एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि पृथ्वी जो है वो सबसे मोटी परत कौन सी है, तो वो बीच वाला परत है ना, ये बीच वाला जो है ना, जिसको कहते हैं आपको ये हो गया आपका क्रस्ट हो गया, इसको कहते हैं मेंटल, और लास्ट वाले को कोर कहा जाता है, ठीक है। ये क्रस्ट जो है वो सबसे मोटा होता है, 2900 किलोमीटर क्रस्ट की मोटाई होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती की ऊपरी सतह को कहते क्या हैं, तो धरती की ऊपरी सतह को क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को लिथोस्फीयर भी कहते हैं पृथ्वी के, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, यानी कि पृथ्वी के स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। तो ऊपरी सतह पूछा गया है तो यहाँ पर लिथोस्फीयर आंसर हो जाएगा, और मेंटल तो आपको बीच वाला भाग को कहा जाता है आपको मेंटल, ठीक है। चलिए, मेंटल की मोटाई पूछा गया है आपको, है ना, तो लिथोस्फीयर की भी कभी कभी मोटाई पूछा जाता है, तो लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग दोस्तों आपको 35 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 35 किलोमीटर मोटाई होता है, जबकि मेंटल की जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट, इसको पश्चिमी पूर्वी घाट क्या हुआ, चलिए इसको थोड़ा सा आप फिगर में देख लीजिए, ये रहा आपका भारत, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो है इसको कहते हैं पूर्वी घाट, यानी कि ईस्ट वाला, ये वाला घाट जो है इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है ना, ये आपको यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये लगातार है, लेकिन पूर्वी घाट जो है ना, ये बीच बीच में क्या है दोस्तों, कटा छटा है। क्यों बीच बीच में क्या है, ये कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है, इसका कारण क्या है कि जितनी भी नदियाँ बहती है, जैसे कि गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, है ना, तो सब आपको बढ़ती है आपको पूरब की ओर, पश्चिमी घाट तरफ से निकलती है और पूरब की ओर बहती है, और ये पूर्वी घाट को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, ठीक है। इसी वजह से जो पूर्वी घाट है वो कटा छटा है, और ये कम मोटा है, चौड़ा कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैदान है ना, पूर्वी घाट की जो मैदान है, तटीय जो मैदान है, वो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन जबकि पश्चिमी घाट का जो यहाँ पर मैदान है वो बहुत कम चौड़ा है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम की तरफ नदी नहीं के बराबर बहती है, बहुत कम नदी बहती है, है ना, जुआरी और मांडवी गोवा में बहती है, नर्मदा ताप्ती आपको यहाँ पर बहती है, ठीक है, उसके बाद पेरियार नदी एक केरल में बहती है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो ये इसके वजह से आपको पश्चिमी घाट के जो तट हैं वो ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाए हैं, जबकि पूर्वी घाट के तट बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़िए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि पूर्वी घाट की औसत ऊँचाई अधिक है, क्या पूर्वी घाट की औसत ऊँचाई अधिक है, कौन सा यहाँ पर सही पूछ रहा था, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है, है ना। पश्चिमी घाट जो हमारा है ना, ये पश्चिमी जो घाट है ये ज़्यादा ऊंचा है दोस्तों, है ना, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है अनाई मुडी, और अनाई मुडी कहाँ है, तो ये केरल में पड़ता है, अन्नामलाई पर्वत पर है अनाई मुडी, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊँची चोटी है आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है, बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि पश्चिमी घाट की जो ये औसत ऊंचाई है ये आपका काफ़ी ऊंचा है, दोनों की औसत ऊंचाई लगभग बराबर है, ये भी गलत है, यह स्थिति अनिश्चित है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, है ना, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, ये दोनों कहाँ पर मिलती है, तो ये दोनों मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी पर, है ना, ये बीच में है आपको नीलगिरी की पहाड़ी, और दोनों यहाँ पर आकर के क्या होती है, मिल जाती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है, और ये इसका गाठ के रूप में यहाँ पर मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, है ना, नीलगिरी की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये किस राज्य में फैला हुआ है, तो ये तीन राज्यों में आपका फैला हुआ है, ठीक है, एक तो ये तमिलनाडु में है, दूसरा केरल में है, तीसरा कर्नाटक में, ये आपको फैला हुआ है, ठीक है, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, क्या नाम है, दोदा बेटा नाम है दूर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली सबसे ऊंची चोटी है आपको पश्चिमी घाट पर्वत में जो केरल में पड़ता है, उसका नाम है आपको अनाई मुडी नाम है आपका, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। चलिए, बहुत सारा चीज़ आपको इसके बारे में बता दिए गए हैं, जो जो बताया जाता है ना उसको नोट कर लीजिए, और फिगर में आप देखते रहिएगा ना, अपने मानचित्र अगर आपके पास रखे हैं, ग्लोब रखे हैं, एटलस रखे हैं, तो उसमें भी चेक करते रहिएगा, तो वहाँ से काफ़ी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर, कह रहा है कि सागौन जो है वो वृक्ष, है ना, सागौन वृक्ष बहुतायत में कहाँ उत्पन्न होता है। देखिए सागौन, ठीक है, जब सागौन की जो ये वृक्ष है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पर्णपाती वन में, है ना, कहाँ मिलेगा, तो पर्णपाती वन में मिलेगा,
और ये आपको हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है आपको। और ये सागौन वन जो मिलेगा आपको तो भारत में, मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा सागौन वन। खास करके देखिए पर्णपाती वन भारत में कहाँ कहाँ है, तो आपको जैसे बिहार वाला है, झारखंड है आपको, यूपी है आपका, है ना, ये सब दिल्ली वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह, एमपी वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो ये सभी जितने राज्य आपको बता रहे हैं यहाँ पर आपको पाया जाता है पर्णपाती वन, ठीक है। और इसमें कौन कौन से वन और भी आ जाते हैं, जैसे कि आपको सागौन है, शीशम है, साल है, सखुआ है, तो ये सब वृक्ष जो है पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं आपको, ठीक है। और हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर उगने वाले वन जो हैं वो सदाबहार और पर्णपाती वन कहे जाते हैं दोस्तों। तो हिमालय पर भी ये पाया जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सी रखी गई। शुष्क खेती कहा गया, शुष्क खेती मतलब कि बहुत कम अगर पानी पड़ता है ना, वर्षा होता है, बहुत कम वर्षा होती है तो फिर भी ये फसल हो जाएगी आपकी। तो शुष्क खेती के अंतर्गत आएगा दोस्तों आपका बाजरा वगैरह आ जाएगा, है ना, बाजरा हो गया आपका, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, तो ये सब आ जाएगा आपको शुष्क खेती के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 75 नंबर प्रश्न। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं ना सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 9 बजे आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगी आपको, है ना, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है और ना ही इससे हमें कोई पैसा मिलता है, ये आप ही लोग के लिए बताया जाता है आपको, ठीक है, और ना ही लाइक का कोई हमें पैसा मिलता है, बस एक अच्छा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा, आप लोग अच्छा लग रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर लीजिए। प्रश्न है देखिए लास्ट वाला आज का कि गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो बताइए दोस्तों गंगा की सहायक नदी में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। मान देखिए सारा जो नदी दिया गया है, बताइए उत्तर की ओर बहने वाली नदी सहायक नदी में, तो 75 का क्या हो जाएगा आपको, 75 का हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी प्रणाली। देखिए चंबल जो नदी है ना गंगा नदी प्रणाली के अंतर्गत ही आता है आपको ये जो यमुना नदी है, ये सब गंगा नदी मतलब प्रणाली इसी के अंतर्गत आता है। देखिए भारत में तीन प्रकार की प्रणालियाँ, एक तो गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी और एक सिंधु नदी, तो तीन नदी प्रणाली है भारत में, है ना, ध्यान रखिएगा, एक सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी प्रणाली के अंतर्गत और भी नदियाँ आती हैं, ठीक है। तो चंबल जो नदी है इसका उद्गम होता है दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के महू जिला में जनपाव पहाड़ी से। ये पूछा जाता है इसकी, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, तो जनपाव, ठीक है, जनपाव पहाड़ी से उत्पन्न होता है और यह उत्तर प्रदेश में इटावा से 38 किलोमीटर की दूर पर यमुना नदी में मिल जाता है और फिर यमुना नदी जाकर के मिलता है किस में, तो गंगा नदी में। तो ये मिलकर के बनता है गंगा नदी प्रणाली, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब जो नदियाँ आप देख रहे हैं ना ये सब आपको उत्तर, ये सब नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि उत्तर की ओर पूछा गया था, उत्तर की ओर ये चंबल नदी है ना मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ से निकलती है, है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की ओर बह करके ये यमुना नदी मिल जाती है, फिर यमुना नदी जा करके गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी प्रणाली के अंतर्गत। अब इसका आंसर दिया गया है, आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कितना आपने इसको सही किया है। और इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, व्हाट्सएप चैनल पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर जो दिख रहा है 7857824310, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको सारा इसका PDF नोट्स आपको वीडियो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। और इसमें मात्र 351 रुपया चार्ज है, आप एक बार पेमेंट करके हमें पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद PDF है, वीडियो है, नोट्स है, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। अभी भी आपके पास लगभग समय बच रहा है, इतना दिन में भी आप तैयारी कर सकते हैं, है ना, अभी आपके पास 20-25 दिन है और समय हमें लग रहा है कि फिर से एग्ज़ाम का डेट बढ़ने वाला है आपका, है ना, फिर से लगता है एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, क्योंकि देखिए मानसून का समय आ गया है, बरसात का समय आ गया है, तो सभी जगह कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ठीक है। तो इसको लेकर के हमें लग रहा है कि फिर से इसका डेट कुछ दिन जरूर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ज़रूर से ज़रूर पेमेंट करके आप इसमें जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपकी जो डेली क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है, आपको पेमेंट करना है गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से, या पेटीएम है, व्हाट्सएप पे है, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, है ना, उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सभी मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा जो चैनल है वो है कैरियर परिवार चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, यहां पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है दोस्तों, सीटेट की भी यहां पर तैयारी करवाई जा रही है, तो सीटेट का अगर कोई आपको तैयारी कर रहे हो तो उनको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, है ना, यहां पर सीटेट की भी तैयारी चल रही है। और टेस्ट नंबर आज हो गया 72 और कल हम लोग फिर अगला टेस्ट देखेंगे आपका DELED से संबंधित, कल हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, है ना। आपको नंबर दे दिया गया है, ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।